दोस्तों, टैक्सेशन सीरीज की पिछली वीडियो में हमने बात की थी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के बारे में। अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीजीबीपी हेड यानी प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। सबसे पहले बात करते हैं पीजीबीपी हेड में किस टाइप की इनकम को इंक्लूड किया जाता है। वैसे तो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन बेसिक अगर हम बात करें तो कोई भी प्रॉफिट जो हमें किसी भी बिजनेस या प्रोफेशन से होता है, किसी भी बिजनेस या प्रोफेशन में जो भी गिफ्ट या कोई बेनिफिट्स मिलते हैं एंड पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को जो भी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस या कमीशन मिलता है, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी में जो भी अमाउंट मिलता है, नॉन कम्पीट फी जो रिसीव होती है वो भी इसमें इंक्लूड होती है, किसी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में किसी टर्म्स एंड कंडीशन के मॉडिफिकेशन के लिए जो कंपनसेशन मिलता है, इन टाइप की इनकम को बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंदर इंक्लूड किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि बिजनेस इनकम कैलकुलेट कैसे होती है। पूरे साल के ग्रॉस रिसीट्स या टर्नओवर में से एक्सपेंसेस लेस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसे बिजनेस इनकम कहते हैं। ग्रॉस रिसीट्स में से कौन कौन से एक्सपेंसेस लेस किए जाते हैं ये हम जान लेते हैं। बिल्डिंग के रिपेयर, रेट्स एंड टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, फर्नीचर एंड प्लांट एंड मशीनरी का इंश्योरेंस एंड रिपेयर, अगर बिल्डिंग या शॉप रेंट पर है तो बिल्डिंग का रेंट। ये ऊपर बताए हुए एक्सपेंसेस तभी अलाउड होंगे जब ये एसेट्स बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज होते हैं। अब हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन तभी अलाउड होता है जब एसेट्स बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज होती हैं एंड एसएससी उसका ओनर हो। जब कोई एसेट लीज पर ली हो तो लेसर यानी जिसने एसेट लीज पर दी है उसको डेप्रिसिएशन अलाउड होगा, लीज पर लेने वाले को डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होगा। एंड जब कोई एसएससी हायर परचेज पर एसेट लेता है, मतलब जब एसेट इंस्टॉलमेंट पर ली जाती है, तो एसएससी तब से ही डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है जब एसेट उसके पास आ जाती है एंड वो यूज करना स्टार्ट कर देता है चाहे ओनरशिप उसके नाम नहीं हुई हो। जब किसी एसेट में एसएससी का सिर्फ कुछ परसेंट हिस्सा हो तो वो सिर्फ उतनी एसेट का ही डेप्रिसिएशन ले सकता है। एसेट्स दो टाइप की होती हैं, टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स में आती हैं बिल्डिंग, फर्नीचर एंड प्लांट एंड मशीनरी एंड सबका डेप्रिसिएशन रेट अलग अलग होता है। इंटेंजिबल एसेट्स में आती हैं गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क एटसेट्रा, जिनका डेप्रिसिएशन रेट है 25%। कुछ एसेट्स पर एडिशनल डेप्रिसिएशन भी अलाउड होता है। ऐसा तब होता है अगर एसएससी का बिजनेस किसी ऑब्जेक्ट की मैन्युफैक्चरिंग का है या पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन का हो, तो एसएससी को प्लांट एंड मशीनरी पर 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउड होता है। ये सभी टाइप की प्लांट एंड मशीनरी पर अलाउड होता है एक्सेप्ट सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी, एनी प्लांट एंड मशीनरी जो ऑफिस प्रीमिस में या रेजिडेंशियल अकोमोडेशन में हो, एंड शिप्स, एयरक्राफ्ट एंड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट। जब एसेट परचेज करने के लिए लोन लिया जाता है तो उस लोन पर जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो इंटरेस्ट भी डिडक्टेबल होता है, लेकिन इंटरेस्ट उतना ही डिडक्टेबल होगा जो एसेट को पहली बार यूज करने के बाद पे किया जाता है, एंड जो इंटरेस्ट एसेट यूज करने से पहले पे किया जाता है वो एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एसेट परचेज की गई है ऑन 1 अप्रैल 2021 एंड एसेट यूज में ली गई है ऑन 1 अगस्त 2021, तो 1 अगस्त 2021 से पहले पे किया हुआ इंटरेस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देंगे एंड बाद वाला एज एक्सपेंस ग्रॉस रिसीट्स में से लेस कर देंगे। अगर लोन बिजनेस एंड प्रोफेशन पर्पज से लिया है तो ही अलाउड होगा, अगर लोन पर्सनल पर्पज से लिया है तो अलाउड नहीं होगा। इसके अलावा स्टॉक इन ट्रेड यानी जैसे एक बिजनेस द्वारा ट्रेड पर्पजेज के लिए इन हैंड जो गुड्स रहते हैं उनके इंश्योरेंस की डिडक्शन भी इसमें अलाउड होती है। एम्प्लॉयज का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अलाउड होता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए जो अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूशन करता है वो भी डिडक्शन के लिए अलाउड होते हैं, लेकिन वो तब अलाउड होते हैं जब वो कॉन्ट्रीब्यूशन किसी स्टैचुरी पीएफ, रिकग्नाइज पीएफ, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड या अप्रूव्ड ग्रेचुरी फंड में किया हो। अगर ये कॉन्ट्रीब्यूशन अनरिकग्नाइज पीएफ, अनरिकग्नाइज सुपर एनुएशन फंड या अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड में किया है तो डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। इसके अलावा एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम में जो कॉन्ट्रीब्यूशन करता है वो भी डिडक्शन के लिए अलाउड होते हैं। ये एक लिमिट तक ही अलाउड होता है। इसमें मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन कितना अलाउड होता है वो हम जान लेते हैं। एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन 10% ऑफ सैलरी, सैलरी मतलब बेसिक पे प्लस डीए, दोनों में से जो कम होगा वो अलाउड होगा। इसके बाद हैं बैड डेट्स। बिजनेस में जो बैड डेट्स होती हैं, मतलब उधार पर दिए हुए सामान के पैसे जब नहीं मिलते उसे बैड डेट्स कहते हैं। ये डिडक्शन के लिए तभी अलाउड होती हैं जब ये सिर्फ सेल से रिलेटेड हों। अगर ये पैसा बाद में रिकवर हो जाता है तो उसे तब इनकम मान लिया जाता है।
अब नेक्स्ट हम कुछ जनरल एक्सपेंसेस की बात करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज ब्रोशर, न्यूज़पेपर, पैम्फलेट में जो एडवर्टीजमेंट करवाती है वो एक्सपेंसेस अलाउड नहीं होंगे। एम्प्लॉयज़ को अगर कोई गिफ्ट दिया हो तो डिडक्शन के लिए अलाउड होते हैं। इनकम टैक्स एंड इंटरेस्ट या पेनल्टी जो लेट टैक्स पे करने पर लगती है अलाउड नहीं होती है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स यानी GST पे जो लेट टैक्स पे करने पर इंटरेस्ट लगता है वो डिडक्शन के लिए अलाउड होगा, बट GST की पेनल्टी अलाउड नहीं होती। इनकम टैक्स केसेस या लिटिगेशन के लिए जो टैक्स ऑडिट फीस दी जाती है वो डिडक्शन के लिए अलाउड होती है। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ना काटने की वजह से डिसअलाउड हो जाते हैं। वो हैं जब पेमेंट किसी नॉन रेजिडेंट को या फॉरेन कंपनी को बिना TDS डिडक्ट किए की जाती है, या TDS डिडक्ट कर तो लिया जाता है बट रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक गवर्नमेंट को पे नहीं करवाया जाता तो पूरी पेमेंट डिसअलाउड हो जाती है। और जब पेमेंट किसी रेजिडेंट को बिना TDS डिडक्ट किए की जाती है, या TDS तो डिडक्ट कर लिया जाता है बट रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक गवर्नमेंट को पे नहीं करवाया जाता तो उस पेमेंट का 30% डिसअलाउड हो जाता है। लेकिन ये डिडक्ट किया गया TDS जिस प्रीवियस ईयर में गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाया जाता है तो उस प्रीवियस ईयर में SSC ये एक्सपेंसेस डिडक्ट कर सकता है। और अगर सैलरी किसी नॉन रेजिडेंट को बिना TDS डिडक्ट किए दे दी है, या TDS डिडक्ट तो कर लिया है बट TDS पेमेंट की ड्यू डेट तक गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं करवाया तो वो भी डिसअलाउड हो जाएगी। एंड TDS अगर एक दिन भी लेट डिपॉजिट करवाया है तो वो भी सैलरी डिसअलाउड हो जाएगी। अगर कोई पेमेंट किसी रिलेटिव को रीजनेबल अमाउंट से ज़्यादा की जाती है तो अनरीजनेबल अमाउंट डिसअलाउड हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर 10,000 से ज़्यादा पेमेंट एक दिन में किसी पर्सन को किसी एक्सपेंसेस के लिए अकाउंट पे चेक या डिमांड ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के अलावा की जाती है, मतलब अगर कैश में पेमेंट 10,000 से ज़्यादा किसी को की जाती है तो वो डिसअलाउड हो जाती है। अगर पेमेंट क्रॉस चेक से की जाती है तो वो भी डिसअलाउड होगी। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो हैं ट्रांसपोर्टर को 35,000 तक कैश में पे कर सकते हैं, पेमेंट अगर RBI, LIC, बैंक या गवर्नमेंट को की हो, पेमेंट NEFT, RTGS, डेबिट कार्ड, ECS, क्रेडिट कार्ड, UPI या भीम से की हो, पेमेंट एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर, फॉरेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूसर, पोल्ट्री प्रोडक्ट प्रोड्यूसर या फिश प्रोडक्ट प्रोड्यूसर को की हो। रिटायरमेंट बेनिफिट के केस में 15,000 तक की कैश पेमेंट अलाउड है। अगर किसी एम्प्लॉय को 15 दिन से ज़्यादा के लिए न्यू प्लेस पर पोस्टिंग मिलती है तो उसे कैश में दी हुई सैलरी अलाउड होगी। अगर कहीं पे बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो भी कैश पेमेंट अलाउड होगी। अगर पेमेंट किसी ऑथराइज डीलर या मनी चेंजर ने फॉरेन करेंसी या ट्रैवलर चेक के लिए की हो तो अलाउड होगी। अब कुछ एक्सपेंसेस हैं जिनकी पेमेंट अगर रिटर्न की ड्यू डेट तक कर दी है तो ये अलाउड होंगे। किसी भी टाइप का टैक्स, ड्यूटी, एसेस, एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूशन किया हो, SPF, RPF, अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, न्यू पेंशन स्कीम में या किसी और फंड में, एम्प्लॉयज को दिया गया बोनस या कमीशन, इंटरेस्ट की पेमेंट किसी PFI, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, स्केड्यूल बैंक एटसेट्रा, लीव सैलरी टू एम्प्लॉई, कोई भी पेमेंट इंडियन रेलवे को इंडियन रेलवे एसेट यूज करने के लिए की गई हो। अगर कोई एक्सपेंस किसी अर्लियर ईयर में क्लेम कर लिया है बट वो इस प्रीवियस ईयर में रिकवर हो गया है तो वो प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेबल हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल सेल्स टैक्स रिटर्न। और जैसे फायर की वजह से कोई स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया था बट अब उसका इंश्योरेंस मिल गया है तो जब वो इंश्योरेंस मिला है उस साल टैक्सेबल हो जाएगा। ये सब तो हो गई एक्सपेंसेस की बात जो ग्रॉस रिसीट्स या टर्नओवर में से लेस किए जाते हैं, जिसके बाद हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 44AA, जिसके अकॉर्डिंग SSC को बुक्स मेंटेन करनी पड़ती हैं। अगर SSC किसी नोटिफाइड स्पेसिफाइड प्रोफेशन में है और उसकी ग्रॉस रिसीट्स प्रीवियस ईयर से पहले 3 ईयर्स में 150,000 से ज़्यादा हैं तो SSC को बुक्स मेंटेन करनी पड़ेंगी। नोटिफाइड एंड स्पेसिफाइड प्रोफेशन में आते हैं मेडिकल, लीगल, अकाउंटेंसी, फिल्म आर्टिस्ट, इंजीनियरिंग, टेक्निकल कंसल्टेंसी, आर्किटेक्चरल, इंटीरियर डेकोरेटर, कंपनी सेक्रेटरी और कोई और प्रोफेशन जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने स्पेसिफाई किए हैं। अगर SSC बिजनेस करता है तो इस केस में प्रीवियस ईयर से पहले 3 ईयर्स में से किसी भी ईयर में अगर प्रॉफिट 1,20,000 से ज़्यादा हो या ग्रॉस रिसीट्स एंड टोटल सेल 10 लाख से ज़्यादा है तो SSC को बुक्स मेंटेन करनी पड़ेंगी। अब हम उस केस की बात करेंगे जब SSC को अकाउंट्स मेंटेन नहीं करने पड़ते। इसे कहते हैं प्री एग्जम्प्टिव टैक्सेशन। प्री एग्जम्प्टिव बेसिस पे इनकम इंडिविजुअल, HUF एंड रेजिडेंट फर्म इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं। LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप प्री एग्जम्प्टिव बेसिस पे इनकम डिक्लेयर नहीं कर सकती। पहले बात करते हैं बिजनेस की, जो कि है सेक्शन 44AD।
अगर बिजनेस के टर्नओवर 2 करोड़ तक है तो एसएससी प्रीएम्प्टिव बेसिस पर इनकम डिक्लेयर कर सकता है। इनकम टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स के मिनिमम 8% तक डिक्लेयर कर सकते हैं। और अगर सारी रिसीट्स अकाउंट पे चेक या डीडी या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट बैंक अकाउंट के थ्रू की गई हैं तो प्रॉफिट ग्रॉस रिसीट्स का 6% डिक्लेयर कर सकते हैं। इस केस में जो भी एक्सपेंसेस ऊपर एक्सप्लेन किए गए हैं वो लेस नहीं होते हैं। और पार्टनरशिप फर्म के केस में पार्टनर का रेम्यूनरेशन, सैलरी, इंटरेस्ट एटसेट्रा डिडक्ट नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं प्रोफेशन की, जो आते हैं अंडर सेक्शन 44A(d)(a). अगर एसएससी की रिसीट 50 लाख तक है तो ही एसएससी प्रीएम्प्टिव बेसिस पे इनकम डिक्लेयर कर सकता है। प्रोफेशन में एसएससी ग्रॉस रिसीट्स का 50% से कम इनकम डिक्लेयर नहीं कर सकता। इस केस में भी जो भी एक्सपेंसेस ऊपर एक्सप्लेन किए गए हैं वो लेस नहीं होते। और पार्टनरशिप फर्म के केस में पार्टनर का रेम्यूनरेशन, सैलरी, इंटरेस्ट एटसेट्रा डिडक्ट नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टर की, जो कवर होते हैं सेक्शन 44AE। अगर एसएससी प्लाइंग, हायरिंग या गुड्स कैरिज के लीजिंग बिजनेस में है तो एसएससी स्पेसिफाइड इनकम से इनकम डिक्लेयर नहीं कर सकता। स्पेसिफाइड इनकम है हैवी गुड्स व्हीकल के केस में 1000 रुपीज पर टन ऑफ ग्रॉस व्हीकल वेट पर मंथ, अदर व्हीकल के केस में 7500 फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। एसएससी प्रीएम्प्टिव बेसिस पे इनकम तभी डिक्लेयर कर सकता है अगर उसके पास मैक्सिमम 10 व्हीकल्स हो। इनकम उस मंथ से कैलकुलेट होनी स्टार्ट हो जाएंगी जिस मंथ से एसएससी उस व्हीकल को ओन करता है। हैवी गुड्स व्हीकल से मतलब है जिस व्हीकल का वेट 12,000 kg से ज्यादा है। प्रीएम्प्टिव बेसिस में एसएससी स्पेसिफाइड इनकम से ज्यादा कितने भी डिक्लेयर कर सकता है। नेक्स्ट सेक्शन 44AB, जिसके अकॉर्डिंग एसएससी को इन बुक्स की ऑडिट करवानी पड़ती है। ऑडिट तब होती है अगर बिजनेस की टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा हो। ये टर्नओवर की लिमिट 1 करोड़ की जगह 10 करोड़ कंसीडर की जाएगी अगर एसएससी की कैश रिसीट्स टोटल रिसीट्स की 5% से कम है एंड कैश पेमेंट्स भी टोटल पेमेंट के 5% से कम है। यहाँ कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स में वो चेक्स और बैंक ड्राफ्ट भी इंक्लूड होंगे जो अकाउंट पे ही चेक्स नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोफेशन की। प्रोफेशन के केस में अगर ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख से ज़्यादा हैं तो एसएससी को ऑडिट करवानी पड़ती है। और प्रीएम्प्टिव बेसिस के केस में अगर एसएससी 8% एंड 6% से कम इनकम डिक्लेयर करता है तो एसएससी को ऑडिट करवानी पड़ती है। तो दोस्तों, बेसिकली इस वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन को डिटेल में समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 4th हेड की, जो है कैपिटल गेन। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।